पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हेड कांस्टेबल बाबूलाल सुसाइड प्रकरण में लिखा गया है पत्र, सीबीआई प्रमुख को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा गया है। बताई जा रही है संभावना कि आज हो सकती है धरने के समाप्त होने की घोषणा, क्योंकि मृतक के परिजन लगातार मांग कर रहे थे इसी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही थी, और कल पुलिस मुख्यालय ने कर दी इस मांग की घोषणा। इस पत्र के बाद बोले एडिशनल पुलिस कमिश्नर उमर राष्ट्रदीप, कहा दिवंगत हेड कांस्टेबल बाबूलाल की आत्मा को शांति मिले और दोषियों को उनके लिए उनके किए की सजा मिले, बस इसी इंसाफ की मांग थी और वो हो गई आज पूरी। तो कुल मिलाकर धरना भी समाप्त हो सकता है और साथ ही साथ सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है लोगों की तरफ से, वो मांग भी पूरी होने की संभावना है। पत्र भी लिखा गया इस संबंध में और बेहद अहम जांच पूरे मामले में हो जाती है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, पत्र लिखा गया सीबीआई जांच के लिए लोगों की तरफ से, परिवार की तरफ से, अब ऐसे में सीबीआई जांच की मांग पूरी हो सकती है लेकिन साथ ही साथ ये धरना भी समाप्त हो सकता है, क्या पूरी जानकारी है इस पर? जो मृतक हेड कांस्टेबल बाबूलाल, उसने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि मेरे केस की पूरी जांच सीबीआई को करनी होगी, और जब लगातार परिजन भी ये मांग कर रहे थे कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और साथ साथ जो दोषी हैं उनके साथ साथ सीबीआई जांच करे। तो कल पुलिस मुख्यालय पूरे प्रकरण के अंदर एक्टिव हुआ है। कल पांचवा दिन था तो पांचवें दिन में लगातार धरना जारी था, क्योंकि अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उसकी अंतिम संस्कार होना बाकी है। तो ऐसे में कल पुलिस के आला अधिकारी ने सीबीआई प्रमुख को पत्र लिखा है और कहा है कि ये जो केस है इस केस को आप हैंडल करिए, इस केस को सीबीआई जांच करे। तो अब माना जा रहा है कहीं ना कहीं परिजनों की मांग पूरी हो रही है और आज दोपहर बाद इस धरने का समाप्ति की घोषणा हो सकती है, क्योंकि शव की अंतिम जो संस्कार है वो होना बाकी है दीपिका। तो ऐसे में पांच दिन से लगातार जो शव है वो डीप फ्रीज में रखा हुआ है। आज परिजनों से दोबारा चर्चा होगी पुलिस के आला अधिकारी से, उसके बाद में धरना समाप्ति की घोषणा। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरे मामले में जो दोषी थे उनका नाम लिखा गया बाकायदा हेड कांस्टेबल के द्वारा अपने जो सुसाइड लेटर था उसमें, तो क्या उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तैयारी है सत्यनारायण, या फिर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, छह पन्नों के जो नोट के अंदर उसने कई बातें लिखी थी। टीम के चार जो पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनसे प्रताड़ित होकर मैं ये कदम उठा रहा हूँ। तो अब जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई जांच के अंदर अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी, तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अनुसंधान होना बाकी है। किसी पर आरोप लगाना अलग बात है लेकिन आरोप को सिद्ध करना अलग बात है। तो ऐसे में सीबीआई जांच के बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकलने जाता है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तब तक जो पुलिस अधिकारी अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का साफ करना है, दुआला अधिकारियों का साफ करना है कि दोषी चाहे कोई भी हो दोषी को पकड़ेंगे नहीं, दोषी को सजा मिलेगी। तो ऐसे में सीबीआई जांच का इंतजार करना होगा, जांच जब पूरी होगी उसके बाद में अनुसंधान में क्या कुछ सामने आता है तब तक कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।